हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1. सो लेट्स से इट केयरफुली. चैप्टर 1, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. इस चैप्टर का नाम है इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. इस चैप्टर में हम अपने बारे में पढ़ेंगे, मतलब आप अपने बारे में बात करेंगे. दिस इज मीरा, सी इज अ गर्ल. She is 6 years old. This is Akash. He is a boy. He was born on 22nd March. So, 22nd March is Akash's birthday. He loves coloring. She loves playing football. What is your name? Fill in the blanks below. My name is Dash. I am Dash years old. I live in Dash with my family. Do you have an identity card? An identity card is a small card that tells people some important things about you, such as your name, your age, and the प्लेस. देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में ये मीरा है, मीरा के बारे में बता रहा है. इसका नाम मीरा है, ये एक गर्ल है और ये 6 years ओल्ड है. इसकी एज 6 years है और इसे फुटबॉल खेलना पसंद है. यहाँ पे आकाश के बारे में बता रहा है. ये आकाश है, इसका नाम आकाश है. ये एक बॉय है. ये बॉर्न हुआ था 22nd मार्च को इसका जन्म हुआ था और इसलिए 22nd मार्च आकाश का बर्थडे है. इसे कलरिंग करना बहुत पसंद है, इसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम. आपको अपना नाम लिखना है. ये जो खाली ब्लैंक्स हैं इसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे. यहाँ पर आपको लिखना है कि आप कितने ईयर्स के हैं. जैसे यहाँ पर मीरा 6 years की है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपनी एज लिखनी है, आप कितने ईयर्स के हैं. यहाँ पर लिखना है कि आप किस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का नाम आपको लिखना है. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है. क्या आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है? स्कूल में आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है. आइडेंटिटी कार्ड एक छोटा कार्ड होता है जो कि लोगों के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां देता है, जैसे कि उनका नाम, उनकी एज और प्लेस जहां पर वो रहते हैं. तो ये पेज नंबर 7 था. अब चलिए हम आगे देखते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं पेज नंबर 8. वेयर यू लिव, इट आल्सो हैज योर फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट. मोस्ट ग्रोन अप्स हैव आइडेंटिटी कार्ड्स. चिल्ड्रन आल्सो हैव आइडेंटिटी कार्ड्स गिवन टू देम बाय देयर स्कूल. फिल द आइडेंटिटी कार्ड गिवन ऑन दिस पेज. टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर टू कंप्लीट इट. कीप योर आइडेंटिटी कार्ड सेफली इन योर स्कूल बैग. व्हेन यू गो ऑन अ ट्रिप विद योर क्लास, रिमेंबर टू टेक योर आइडेंटिटी कार्ड विद यू. माई फेवरेट थिंग्स एंड एक्टिविटीज. जस्ट लाइक मीरा एंड आकाश, वी ऑल लाइक समथिंग मोर देन अदर्स. दीज आर कॉल्ड अवर फेवरेट्स. वाट डू यू लाइक टू डू? आई लव टू प्ले डैश एंड डैश. आई ऑल्सो लव टू डैश. माई फेवरेट फूड इज डैश एंड माई फेवरेट ड्रिंक इज डैश. वी लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स
in our free time. These activities that we enjoy doing are called our hobbies. Color the pictures of hobbies on the next page which you enjoy. यहाँ पे देखिए, आपसे अभी हम पीछे आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो आइडेंटिटी कार्ड पे आपका नेम, एड्रेस, प्लेस जहाँ पर आप रहते हैं, ये डिटेल होती है। उस पर एक फोटोग्राफ भी लगता है, आइडेंटिटी कार्ड पे आपकी फ़ोटो होती है। ज़्यादातर लोग जो बड़े होते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड बना होता है। चिल्ड्रंस के भी आइडेंटिटी कार्ड होते हैं जो कि आपको स्कूल में मिलते हैं। यहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड आप देख सकते हैं, इस आइडेंटिटी कार्ड में आपको डिटेल्स फिलअप करना है। मैं बता दे रहा हूँ क्या डिटेल्स आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मतलब जिस डेट पे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर फादर्स का नेम होगा, अपने पापा का नाम लिखना है। यहाँ पर मदर्स का नेम लिखना है। यहाँ एड्रेस लिखना है, अपने घर का एड्रेस। यहाँ पर सिटी और पिन कोड। यहाँ पर स्कूल का नेम। यहाँ क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं। यहाँ पे बस नंबर, जिस बस से आप जाते हैं। अगर बस नहीं यूज करते हैं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है या नो लिख देना है। टेलीफोन नंबर, मदर का और फादर का। नॉर्मली घर में दो नंबर्स होते हैं, एक जो पापा अपने साथ लेके जाते हैं वो नंबर यहाँ पर रहेगा, एक नंबर जो घर पर रहता है वो नंबर यहाँ पर रहना चाहिए। इसको फिलअप करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की हेल्प लेनी होगी। अपना आइडेंटिटी कार्ड हमेशा अपने साथ सेफ रखिए, जब भी आप स्कूल जाएं तो स्कूल बैग में होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्कूल की ट्रिप पर जा रहे हैं तो भी आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपनी फेवरेट माई फेवरेट थिंग्स एंड एक्टिविटीज़, जैसे कि मीरा और आकाश दोनों को कुछ चीज़ें बाकी सबकी अपेक्षा ज़्यादा पसंद है, तो ये चीज़ें जो हमें पसंद होती हैं वो हमारी फेवरेट बोली जाती हैं। आपको कौन सी चीज़ें हैं जो पसंद है, यहाँ पर आपको अपनी पसंद वाली चीज़ों के बारे में लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है आई लव टू प्ले, वो गेम जो आपको खेलना अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको दो गेम्स के नेम लिखने हैं जो आपको खेलना अच्छा लगता हो। आई ऑल्सो लव टू, यहाँ पर आपको और भी कुछ ऐसा लिखना है जो आपको करना पसंद होता है। यहाँ पर आपको अपने फेवरेट फूड के बारे में लिखना है, जो आपको फेवरेट फूड हो उसका नाम लिखना है। यहाँ पर वो फेवरेट ड्रिंक जो आप पीना पसंद करते हैं। वो चीज़ें जो हम अपने फ्री टाइम में काम करते हैं वही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। आप जब भी अपना खाली समय पाते हैं तो उस समय आप जो काम करते हैं वही आपकी पसंद होती है, और ये सबकी अलग अलग होती है। ऐसी चीज़ें जो हम अपने एक्टिविटीज जो अपने फ्री टाइम में आप करते हैं वो आपकी हॉबीज बोली जाती हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनमें से आपको उनको कलर करना है जो आपको पसंद हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इनमें से आपको सिर्फ वही पिक्चर कलर करना है जो आपकी हॉबीज़ हो, मतलब इनमें से वो काम जो आप अपने खाली समय में करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, आपको सिर्फ उन्हीं को कलर करना है। आई एम स्पेशल, इवन दो वी आर लुक सिमिलर वी आर डिफरेंट इन मैनी वेज। राइट डाउन टू थिंग्स विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड। I like to eat dash, but my friend likes dash. My hobby is dash, and my friend's hobby is dash. Each one of us is special or unique because we are different from others. हम सभी बहुत स्पेशल हैं, ये बात आप सब जानिए। हर एक व्यक्ति अपने में यूनिक होता है, स्पेशल होता है। हम सब दिखते तो लगभग एक जैसे हैं, सभी इंसान ही हैं, लेकिन हम सब बहुत सारी चीज़ों में अलग होते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि आपकी आपके फ्रेंड से डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर आप लिखिए जो आपको खाना पसंद हो,
यहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो आपके फ्रेंड को खाना पसंद है, यहाँ पर आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखना है, और यहाँ पर आपको अपनी फ्रेंड के हॉबीज़ के बारे में लिखना है। हम सभी बहुत ही स्पेशल और यूनिक हैं, और इसीलिए हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो देखिए और इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।